हेलो एंड वेलकम बैक टू हीलिंग वेदा। आज मैं आप सभी के साथ एक बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ, और ये जो बीमारी है इसके बारे में बात करूँ उससे पहले इस बीमारी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो बीमारी है वो हर 8 में से एक महिला को आज के दौर में है। साथ ही पूरी दुनिया में इसके मिलियंस ऑफ केसेस, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है हर घरों में, लगभग हर घरों में, वो ये है कि घर के किसी भी एक सदस्य की दिनचर्या जो है या पूरे दिन की शुरुआत जो होती है वो एक गोली के साथ हो रही है। वो गोली कौन सी है? वो गोली है थायराइड की। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि किस बीमारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड की बीमारी क्यों हो रही है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, थायराइड की बीमारी के सिम्टम्स कैसे हैं, और कौन से ऐसे रूटीन हैं अपने दिनचर्या में, हम ऐसा कौन सा चेंज ला सकते हैं जिससे हम थायराइड की बीमारी से बच सकें। अगर हमें ये बीमारी है तो हम उस सिचुएशन में कैसे इस बीमारी से डील करेंगे, तो ये जो सारे तमाम टॉपिक्स हैं वो आज हम डील करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि थायराइड है क्या। तो हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं, इन ग्लैंड से पर्टिकुलर तरीके का स्राव यानी कि सीक्रिएशन होता है। उसी तरीके से थायराइड भी एक ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में नीचे के हिस्से में स्थित होता है, और ये लगभग आपको एक तितली के जैसा, बटरफ्लाई के जैसा इसका शेप होता है। ये जो ग्रंथि है ये 3 तरीके के स्राव सीक्रिएट करती है, मतलब 3 तरीके के सीक्रिएशंस इसमें से होते हैं, 3 हार्मोन्स के सीक्रिएशंस होते हैं। पहला है T3 जिसे हम ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, दूसरा है T4 जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, और तीसरा है कैल्सिटोनिन। ये 3 हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रिएट होते हैं। इनका मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म पर, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाने पचाने की जो प्रक्रिया है उसको ये प्रभावित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली चीज़ जो प्रभावित होती है इन हार्मोन्स के डिसबैलेंस से वो है कि आपका पाचन तंत्र सबसे पहले प्रभावित होने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड से जो सीक्रिएशन हो रहा है, जो स्राव हो रहा है, अगर उसमें बैलेंस नहीं है, वो अगर डिस्टर्ब हो जा रहा है किसी भी कारण की वजह से, तो 2 तरीके के सिचुएशंस डेवलप होती हैं। पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अपने इस वीडियो में मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म्स का यूज़ इस वजह से नहीं कर रही हूँ ताकि आपको, आम लोगों को, मेरी बात आसानी से समझ में आ सके। बात कर लेते हैं और जान लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में होने वाले सिम्टम्स के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो होता है वेट गेन का। वेट गेन के अलावा आपकी हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है वो स्लो हो जाती है, पसीना आपको नॉर्मल से कम आता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, बाल आपके सूखे बेजान हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, साथ ही मसल वीकनेस हो सकती है, थकावट ज़्यादा महसूस होगी, आपको नॉर्मल से ज़्यादा ठंड लगेगी, मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लीडिंग होती है वो आपकी हैवी देन नॉर्मल होगी, नॉर्मल से ज़्यादा आप ब्लीड करेंगे उस दौरान। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं। इसमें साथ में एक और चीज़ होती है कि आपकी आवाज़ में चेंज आ जाएगा, एक भारीपन आ जाएगा आपकी आवाज़ में। हाइपरथायरॉयडिज्म की अब हम बात कर लेते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका वेट लॉस होगा, आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, मेंस्ट्रुएशन जो है उसमें ब्लीडिंग स्कैंटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपको वीकनेस महसूस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही आपको डिप्रेशन हो सकता है, नींद में कमी आएगी आपके, आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगी। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी कभी कभार फील करेंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने के लिए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस बीमारी से रिलेटेड अपनी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि परेशानी कहाँ हो रही है, किस वजह से ये बीमारियाँ हो रही हैं। इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको यकीनन इससे बहुत मदद मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मेरे वीडियोस के मिलते रहें। थायराइड से जुड़ी हुई जो भी परेशानियाँ हो रही हैं उसके पीछे का जो कारण है, उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है भोजन। जो खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं
उसमें बहुत सारे केमिकल्स का आजकल इस्तेमाल होता है, जो सबसे पहला रीज़न बन रहा है थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। दूसरा कारण है हमारे विचार। हमारे विचार आज के ज़माने में बहुत सकारात्मक नहीं है। कारण कुछ हम हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल है, कुछ हमारे आसपास का माहौल है। तो ये जो सारी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से होता यह है कि हमारे विचार चूँकि नकारात्मक हो जाते हैं, तो हमारे ग्लैंड्स पर उन विचारों का, उन नकारात्मक विचारों का अलग तरीके से प्रभाव होता है। हर तरीके की सोच, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपना अलग असर दिखाती है इन ग्लैंड्स के स्रावों पर। हम कहते हैं कि ग्रंथि या ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, जबकि ये इफ़ेक्ट है, ये नतीजा है, ये रिस्पॉन्स है उन कामों का जो हम कर रहे हैं, उन विचारों का जो विचार हम अपने मन में ला रहे हैं। आयुर्वेद भी ये मानता है कि हम अपनी एनर्जीज़ को चीज़ों में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर वो चीज़ आपके भोजन से संबंधित है, तो वहाँ भी ये रूल जो होता है वो कारगर है, वो अप्लाई होता है। हम जिस सोच से खाना बनाते हैं, जिन सोच से हम खाने की चीज़ों को छूते हैं, हम अपनी वो एनर्जी, वो सकारात्मकता या नकारात्मकता उन चीज़ों में ट्रांसफ़र करते हैं। घर की महिलाएं मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि जिस दिन उनका मन शांत होता है, घर में जो आपने खाना बनाया है अपनी किचन में, उस खाने का स्वाद बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है, बजाय उसके कि जिस दिन आपका मूड ख़राब होता है। आप अगर ख़राब मन से, दुखी मन से अगर खाना बनाते हैं, तो उस दिन खाने का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, या तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, सही नहीं बनेंगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सारा जो मामला है वो आपकी सोच का है, आपके मन की स्थिति का है। स्वस्थ शरीर मन आत्मा के साथ जीवन जिया जाएगा, तो काम अच्छे होंगे, काम के अच्छे परिणाम होंगे, और शरीर स्वस्थ होगा, आप खुश होंगे, ग्रंथियां और उनके स्राव भी संतुलित होंगे। पुराने ज़माने की बात आज के युग में की जाए तो वो तो संभव नहीं है उस तरीके से जी पाना। हम कर ये सकते हैं कि जहाँ जिस अवस्था में हैं, इतना करें, इतना प्रयास करें कि कम से कम हानि पहुँचे और कम से कम नुकसान हो। ऐसा करने के कुछ उपाय मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि घर में कुछ पौधे लगाएं, प्रकृति को अपने घर में स्थान दें। अगर घर में खुली जगह नहीं है तो कमरे में ही कुछ पौधे लगाएं। दूसरी बात ये है कि कोशिश करें कि सुबह की सूरज की रोशनी आप पर ज़रूर पड़े, कुछ समय सूरज की रोशनी में ज़रूर बिताएं। सुबह की सूरज की रोशनी आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर चेक कर लें। तीसरी हमारी बहुत बुरी आदत है एसी में हमेशा रहने की, इस आदत से खुद को मुक्त करें। चौथी चीज़ है कि अपने आसपास की हर जीवित चीज़, वो चीज़ भले आपको पसंद हो, उसका रिएक्शन भले आपको पसंद हो या ना हो, उसके प्रति आप जागरूक हो, अटेंटिव हो, ध्यान दें, ध्यान लगाएं। ऐसा करने की वजह ये है कि हम अक्सर आजकल के दौर में ध्यान देना भूल जाते हैं। चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो अपने शरीर पर क्या ध्यान देंगे। तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आसपास की चीज़ों के लिए हो आपकी जागरूकता, या स्वयं के लिए हो। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुशी से कोई भी काम कीजिए, एक्टिव रहिए, दौड़िए, खेलिए, व्यायाम एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, योग कीजिए। अगला नंबर आता है भोजन का। सही भोजन करें, सही समय से भोजन करें, जंक फूड से परहेज़ करें, रिफाइंड ऑयल से परहेज़ करें। सबसे आखिरी चीज़ है कि जीवन के बारे में थोड़ा संजीदा हो जाइए, गंभीर हो जाइए। मनुष्य जीवन में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसके प्रति उस चीज़ को समझिए, उस भाव को समझिए, और अपने शरीर को, मन को और आत्मा को सुखी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वो सारे उपाय कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। इन सारी आदतों को अगर आप अपनाते हैं तो सिर्फ थायरॉयड ही नहीं, बल्कि जो भी ग्लैंड्स हैं और जो भी हार्मोनल सिक्रेशंस हमारे बॉडी में होते हैं, उनमें कभी भी असंतुलन नहीं आएगा। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। थायराइड से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।